बारे में वैसे पूछ रहे हैं। क्या आया था रीजनिंग में, कौन सा क्वेश्चन आया? किसमें मैडम? रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन आया? रीजनिंग मैडम रिलेशन में जो सब में होते हैं ना, जो रिलेशन में होते हैं कि आपके जो माता है, जो पिता है, आपका कौन लगा है, ऐसे रिलेशन में आए थे। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं है? करंट अफेयर नहीं था, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछे गए थे। लोसपा का था जो मतलब होता है ना, लोसा और मसा का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल, उसका एक क्वेश्चन था। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग गलती संख्या किसका क्वेश्चन आया? बहुत बहुत क्वेश्चन थी मतलब, और कोडिंग रीजनिंग से ज्यादा, कोडिंग से वो एक क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। नॉन वर्बल का शरीर से क्वेश्चन आया था, नंबर पजल से आया था, जो पजल बनती है उससे। आप बताइए कोई मैथ का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कौन से क्वेश्चन आए थे? क्या जी? मैथ में क्या आया था? मैथ में भाई नॉर्मल क्वेश्चन आया थे। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था या बायो से, कंप्यूटर से? कंप्यूटर से आया हुआ था, जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है ये पूछे गए थे, और जैसे इकोनॉमिक्स रागा रीजनिंग इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चन थे। इंग्लिश का क्या लेवल था, पैसेज वगैरह का? पैसेज काफ़ी इजी थे, मतलब उसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था सब। इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या थे? नो सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या जी के पूछो का था। फिजिक्स आपका किस ग्रुप का था? वाई ग्रुप का था। वाई ग्रुप का तो जीएस में क्या आया था? जीएस में आया था ये जोग प्रथा किसने चलाई थी, ये आया था एक, और ये नसबंदी कब से चालू हुई थी ये आया था, ये आया था क्राइसिस थे, एक पीकेआरएस था, और उसमें आया था जीके में एक आया था, उसका माप नंद वंश का संस्थापक कौन था, और मिसेस ऑफिसर कौन है? हां सीडीएस ऑफिसर वाला आया था। उत्तराखंड की राजधानी आया था, उत्तराखंड की राजधानी आया था, सीडीएस ऑफिसर कौन है ये आया था, शीतगृह में कहां चली जाती ये आया था, उत्तराखंड के समर कैपिटल आई थी, समर कैपिटल आई। और बताइए करंट का कोई क्वेश्चन और याद है, राज्यपाल या इंडेक्स वगैरह से? करंट का राज्यपाल नहीं, यही आया था जाना, एक क्वेश्चन आया था सिर्फ चेन्नई चीन में जो कुछ फाइटिंग वगैरह कराने, उसमें कौन से जानवर को शामिल किया गया? इंग्लिश का कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद है? नहीं एंटोनिम सिनोनिम तो स्ट्राइव लेविस का एंटोनिम आया था, लेविस का, और एडियम से आया था, एडियम से आया था इन टू माइंड एडियम भी था उसमें। चेन्नई का 2021 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें शुभांकर जानवर कौन है? आपको कोई क्वेश्चन याद है? मैं भारत के प्रथम सीडीएस आए थे जो जनरल बिपिन रावत है, और एक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और विंटर ओलंपिक का जापान का, टोक्यो ओलंपिक का पक्षी आया था करोड़। पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज का पैसेज सही थे, नॉर्मल लेवल का, नॉर्मल लेवल का। और मैथ में कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस में से दो क्वेश्चन थे, और नॉन टेक में से चार थे। नॉन वर्बल वगैरह? नॉन वर्बल थे, तीन वेन डायग्राम में से थे, एक ब्लड रिलेशन में से। मैथ का लेवल इजी था, मैथ का इजी था, रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे, बाकी मैथ जो था वो एकदम इजी था, जीके इजी था, इंग्लिश में जो थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये थोड़े से नए टाइप के थे जो नहीं पता थे, ये चीज़ एरर आई थी, एरर के क्वेश्चन दो थे, मतलब से था नाउन प्रोनाउन एज इफ करके लिखा था, एक एक हाँ एक फिलिंदर बैंक था, ऑल थो के साथ येट लगाना था, या शायद येट लगाना था, या बट एंड सो था। उत्तराखंड की राजधानी आया था, उत्तराखंड की राजधानी, सिस्मोलॉजी क्या होता है, अर्थक्वेक लीगल। और जैसा कि देख रहे हैं कल भी अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी गई थी, आज उत्तराखंड की समर कैपिटल पूछी गई है। और क्वेश्चन? आप क्वेश्चन याद है? यस सर। कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन का इंग्लिश के आए, और एक जनरल का आया था विपिन रावत में होगा, और इंग्लिश ओवरऑल इजी था। लोकसभा में कितना था, उसमें 6 ईयर का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग लोकसभा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ज्यादातर मैम अल्फाबेट से क्वेश्चन थे, ए बी सी डी करके नंबरिंग में उसमें दिए हुआ था, उसका ज्यादा क्वेश्चन। नॉन वर्बल से क्वेश्चन आए जी मैम? 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन इजी थे या फिर थोड़ा मीडियम लेवल के थे? मीडियम लेवल के आ रहे हैं। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन?
कंप्यूटर से नहीं था, एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, उसका मतलब पूछा था जा उस बैच का मतलब उनका जनक पूछा था। और कोई क्वेश्चन इंग्लिश में क्या था, idioms में? इंग्लिश में नॉन प्रोनाउन के क्वेश्चन थे, नॉट एरर वाला दो चार क्वेश्चन था ऐसे ऐसे थे मतलब। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? राज्यसभा का कार्यकाल पूछा था और वायुसेना के पहले चीफ ऑफ जस्टिस पूछे थे, ऐसे ऐसे मतलब मैडम पूछे थे ऐसे। नहीं आ रहा है मैं पूरी उससे, सर ब्लड रिलेशन से आए थे तीन चैप्टर वो, और उससे सीरीज से आए थे, और कुछ नहीं आ रहा, घड़ी वगैरह कैलेंडर वैलेंडर कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है बच्चों को, सिर्फ नॉर्मली पेपर आ रहा है, ठीक है ठीक है, थोड़ी सी आ रही है, एग्जाम देने में आ रही है। तो एग्जाम देने वाले देने आने वाले स्टूडेंट उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? उनको यही मैसेज है कि जो ये चल रही सीरीज वगैरह और ये ब्लड रिलेशन ज़्यादा पढ़ के आए खास करके, और ये आकृति है वेन डायग्राम है, इनसे जब वो क्वेश्चन आ रहे हैं और अदर कुछ नहीं आ रहा है, और करंट ज़्यादा पड़ गया है, करंट में सीधी आ रही है। हेलो सर, क्वेश्चन का लेवल क्या था? मैथ का ठीक ठाक था, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा टफ आया था। इंग्लिश में क्या टफ आया था? इंग्लिश में क्या टफ आया था, जैसे पैसेज में टफ ही आया था और बाकी ठीक था, लेकिन पैसेज वैसेज में थोड़ा टफ आ गया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कल जो इंग्लिश का लेवल था वो थोड़ा नॉर्मल था, आज थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सिनोनिम टोटोनिम पैसेज इन सब से आज थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी मैथ से एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, और कोई रीजनिंग था, और इंग्लिश में अल्फाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे अल्फाबेट से ज़्यादा आ रहे। रीजनिंग में जैसे सिस्टर मदर वाइफ ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा थे, रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपके पास एक दो दिन का टाइम हो तो आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। हाँ अच्छे लेवल के थे, मतलब नॉर्मल लेवल का आए थे, क्या पैसेज कैसे थे? पैसेज अच्छे थे, सरल तरीके से सिंपल थे। क्वेश्चन याद है? हाँ सोनम लेडीज का पूछा था, लेडीज का हाँ अच्छा एडिशन का पूछा था, अच्छा सुन। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? हाँ ब्लड रिलेशन से पूछे था, नॉर्मल लेवल का या कोई तो? नॉर्मल लेवल का पेपर बहुत अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया? कितना अटेम्प्ट किया? मैंने इंग्लिश में दो छोड़ा है और रागा में। इंग्लिश का मतलब लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा था? नहीं बहुत अच्छा आया था, ऐसा है दो दो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मुझे नहीं आया, मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं आ गया था, मैंने कर दिया। कोई क्वेश्चन बताइए, करंट अफेयर जीके जीएस कुछ? करंट अफेयर में आपका आया था मैथ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आया था। और ये बताइए क्या कहते हैं मैथ में किस टॉपिक से आया था? मैथ में एलसीएम एससीएफ आया था और मेंसुरेशन भी आया था और बाकी रीजनिंग ज्यादा आया था, रीजनिंग सबसे ज्यादा 14-15 नंबर रीजनिंग से थी। रिकॉर्डिंग और उसमें मतलब जो रागा का था बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। नॉन वर्बल के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं? क्या मैं किस टॉपिक से आ रहे हैं? नॉन वर्बल में वही मतलब ब्लड रिलेशन से ज्यादा आ रहा है। नॉन वर्बल करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन आया था नहीं था उसमें, और ये मतलब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता था, और ये जो दर्शप्पा मतलब जलप्रपात किस राज्य में, इससे मतलब स्टैटिक ज्यादा था, ये नहीं कि करंट अफेयर पूछ रहा है, करंट अफेयर नहीं पूछा, स्टैटिक जीके से था, ऐसा नहीं कि मतलब। क्या मैम और कोई रागा से क्वेश्चन? रागा से क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन उतना अब याद नहीं है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए। रागा से वही था कि मतलब जैसे कि वगैरह था, कान की बाहर की हड्डी मतलब क्या कहलाती है, और ये था बायो से क्वेश्चन थे, बायो के भी थे उसमें, मतलब रीजनिंग में वो जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आता है वो भी था, बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसा कि आज देख रहे हैं आज बायो से भी क्वेश्चन लिया गया है, कल जो 3 सीट का पेपर हुआ था उसमें बायो का क्वेश्चन नहीं था। और हाँ फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि COVID-19 में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। किस टॉपिक से आए थे, इंग्लिश में क्या क्या आया था? इंग्लिश में क्या नाम है, वर्ब आए थे, पैसेज, और प्रपोजिशन से कोई क्वेश्चन? हाँ प्रपोजिशन से भी आए थे। और ये जीएस में पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी किससे क्वेश्चन आए थे? क्या जीएस में क्या आया था, किस टॉपिक से आया, पॉलिटी हिस्ट्री किससे आया था? जीके में क्या नाम है, इसमें अपने राज्य के बारे में आया था,
और कैपिटल कैपिटल से कल भी क्वेश्चन आया। हाँ हाँ क्या आया था, कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो खैर नहीं याद है, भूल गई। ओके थैंक यू। फिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते ही आ रहे हैं, जो कल के शिफ्ट में जैसे राजधानी पूछी गई थी आज भी राजधानी से क्वेश्चन आएंगे, लोकसभा से तो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और हाँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। थैंक यू एवरीवन।